राजधानी के चौमू कस्बे में हिंदू नववर्ष पर शुक्रवार को निकाली जाने वाली भगवा वाहन रैली के रूट को लेकर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बुधवार को रूट का बदलाव कर स्थिति स्पष्ट कर दी है। आयोजन समिति के अलावा दोनों समुदाय के लोगों के बीच हुई वार्ता के बाद सहमति बन पाई। वहीं पुलिस की ओर से बताए गए रूट चार्ज को लेकर विधायक ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। विधायक ने पुलिस प्रशासन पर लोगों की जन भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। नगर पालिका के अंदर सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, उस समय मैंने एक बात कही थी कि मैं अधिवक्ता हूँ और विधि का मुझे भी ज्ञान है, कानून का मुझे भी ज्ञान है। और मैंने उस समय भी कहा था कि किसी के दिमाग में अगर कोई उपज है नकारात्मक सोच की तो मैं उसका समर्थन नहीं करता। लेकिन मैंने अपेक्षा के लिए प्रशासन से ये इतना आग्रह जरूर किया था कि जन भावनाओं के आधार पर आप निर्णय करें, और जन भावनाओं के आधार पर निर्णय आप करोगे तो हमारा उसमें पूरा समर्थन है। लेकिन आप सब ने भी आज के मीडिया के माध्यम से भी और फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर जो रूट चल रहा है उस रूट के आधार पे भी कहीं पे भी ये नहीं लगता कि जन भावनाओं के आधार पे निर्णय किया गया है। और मेरे ख्याल से तो अतिशयोक्ति तो यहाँ पर हो गई कि बस स्टैंड के ऊपर भी आप नहीं जा सकते, और बस स्टैंड के ऊपर भी गुजरना है तो आप शौचालय के सामने से गुजरे। मेरे ख्याल से इससे गंदा और भद्दा मजाक। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।